हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। देखते जो प्रथम थर चैनल को विजिट करते निश्चित भाव में सब्सक्राइब करनी पाखे बेल बटन को प्रेस करते जहाँ कि भिडियो प्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखे पहुँच पार और चैनल जदि सर्च आस ना तो लर्निंग हब फॉर ओटेड मारे निश्चित भाव में शो कर तो पिला अधिकर अधिक ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिक्स क्वेश्चन डिस्कशन करने कहते जेहतु मो पाखे किसी रिसोर्स ना क्वेश्चन आपश्चिन्न ना आपंक सहित डिस्कसन करवाई तो क्वेश्चन जब मो पाखे आवेलेबल था तो मुझे सहित अधिक रू अधिक डिस्कसन करती स्टिल मुझे ट्राए करुच्ची क्वेश्चन कलेक्ट करें डिस्कसन करने देखो प्रथम ये आज हम किसी ज्योग्राफी क्वेश्चन डिस्कसन करें जोटा कि बहुत पाला हेल्पफुल हम एस एस टी पिला विथ आपर ईवीएस पेपर वन पाला ईवीएस सेक्शन आसो कहला भारत क्षेत्रफल के वर्ग किलोमीटर 32 लाख ना 32.8 ना 34 ना 34.8 राइट आंसर कौन हो जानते भारत क्षेत्रफल हो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर तो से ही हिसाब से आपकी 32.8 लाख ठीक अच्छे एगुड़ा सब देखो ये तो बहुत इजी अच्छे एगुड़ा सब जनरल नॉलेज आपर आम भारत विषय आपर आईडिया रहा दरकार जी इंडिया लोकेशन तार लाटीच्यूड लंगीच्यूड कौन तार एरिया केर एरिया वाइज से के नंबर पोजिशन अच्छे वर्ल्ड वाइड तापर आपर के नेबरिंग स्टेट रही कौन एगुड़ा सब जाना दरकार प्रति आम जो स्टेट रही है जितना स्टेट तार कैपिटल है यूनियन टेरिटोरीज तार कैपिटल है तो युग सब जनरल नॉलेज जाऊँ तो युग सब आप मन रखिए ठीक अच्छे नेक्स्ट कल देखो थर मरुभूमि आरावली पर्वतर क्यों दिगरे अवस्थित जोटा कि थर डेजर्ट तो देखो आरावली तो आरावली की सबसे कहुए वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन हूँ आरावली माउंटेन रेंज तो ये आरावली माउंटेन रेंज क्यों साइड आप थर मरुभूमि थर डेजर्ट अवस्थित आपड़ जानते हैं राजस्थान साइड अच्छी तो राजस्थान अच्छे तो ये आपर राइट आंसर कौन हो पश्चिम आरावली पश्चिम आपर थर मरुभूमि अवस्थित तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपणकर कहला देखु गोटे स्थलभाग जीक तीन पटे जलभाग द्वारा बेषित कौन कहुए उपकूल उपद्वीप द्वीप ना क्योंटी नुहे तो राइट आंसर कौन हो उपद्वीप गोटे स्थलभाग जीक तीन पटे जलभाग द्वारा बेषित उपद्वीप कहुए कहला म्यांमार सहित भारत पूर्व सीमा निर्धारित करुवा पर्वत गुड़ी समवेत भाव में कौन कहुए हिमाचल पूर्वांचल कोंकण ना काराकोरम ये राइट आंसर कौन हम आपर पूर्वांचल पूर्वांचल आम कही था जोटा कि आप प्रायत नॉर्थ ईस्ट साइड रे थाए नॉर्थ ईस्ट हिमालय भी कहुए पूर्वांचल हिमालय भी कह तो यहाँ आपर राइट आंसर ठीक अच्छे और प्रायतः सब आपर हाइएस्ट माउंटेन पिक हर आपर सब जो आशा हाइएस्ट पिक तो से गुड़ाक भी सब आप मन रखिए कारण से सब बहुत बहुत इम्पोर्टाट आपणकर सबुर धरतु आरावली पचार आरावली हाइएस्ट माउंटेन पिक कौटा सतपुरा है ईस्टर्न घाट है वेस्टर्न घाट है तो सबुर आप मन रखिए ठीक अच्छे कारण बहुत बहुत इम्पोर्टाट तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला पूर्वघाट पर्वतमाला सर्वोच्च श्रृंगर नाम कौन आनाईमुड़ी महेन्द्रगिरी कांचनजंगा ना खासी देखो जब आम देखा ईस्टर्न घाटर हाइएस्ट पिक हूँ जिंदागढ़ ठीक अच्छे जिंदागढ़ कौन ना आपणकर जिंदागढ़ यहाँ से तरह हाइएस्ट पिक कि अप्सन ना तो यहाँ अप्सन आपर कौन अच्छी महेन्द्रगिरी तो महेन्द्रगिरी ये आपर महेन्द्रगिरी हूँ सेकेंड सेकेंड हाइएस्ट जीव महेन्द्रगिरी जोटा कि महेन्द्रगिरी लोकेशन कौटे आपर ओडिशा कि जिंदागढ़ पिक जोटा आई थिंक जिंदागढ़ आपर आंध्र प्रदेश में जाऊँगी तो यहाँ मन रखिए तो ये आपर तो देनी जे आपर कौटा देनी जिंदागढ़ विषय आपनी जिंगागढ़ विषय ये कि आपर मेनली हो सेकेंड हाइएस्ट पिक महेन्द्रगिरी जोटा कि ओडिशा जाऊँगी तो नेक्स्ट आम जा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कही क्यों पहाड़ी पूर्वांचल हिमालय अंश विशेष नुहे पूर्वांचल आम जो पढ़ले पूर्वांचल पूर्वांचल तो गारो पातकोई मिजो ना कांचनजंगा तो राइट आंसर कौन हो कांचनजंगाटा नुहे आउ सब जाऊँ आपर हिमालय अंश विशेष मिजो हिल है गारो है पातकोई है एगुड़ी सब जाऊँ कि आपर कांचनजंगाटा नुहे नेक्स्ट कहला नदीगुड़िकोर अंतर्धान हो जाती भावर ना आपणकर तराई ना भांगर ना कंकड़ तो राइट आंसर भाबर ठीक अच्छे तापर कही देखते उत्तरस्थ समतल भूमि प्लावन भूमि को प्लावन भूमि नूतन पटमाटी को कौन कहुए तो नूतन पटमाटी के आपर कहुए खदर पुरातन को पुरातन देते भांगर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा गांगेय समतल भूमि क्यों शिलार गठित आग्नेय स्तरीभूत रूपांतरित क्योंकि नुहे तो राइट आंसर आपर स्तरीभूत
स्तरीभूत शिलार गठित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है दामोदर नदी क्यों मालभूमि प्रवाहित छोटनागपुर दाक्षिणात्य मालवना मेघालय तो राइट आंसर है आप छोटनागपुर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला पंच नदी देश क्या कहा जाए पाकिस्तान पंजाब जम्मू काश्मीर ना हिमाचल तो पंच नदी देश आप पंजाब को कहा जाए कहीं से जो पांचटी रिवर आप जानते जोटा कि चेनाब झेलम रावि सतलेज ब्यास तो ये सब पांचटी रिवर से पंजाब मानने प्रवाहित तो से लगे आप पंजाब को पंच नदी देश बोले कहुए। नेक्स्ट आप आसला क्यों राज्यर सीमा सबुठ अधिक संख्यक राज्य को स्पर्श करुच्च कहला छत्तीसगढ़ ना आसाम ना मध्यप्रदेश ना आंध्र प्रदेश तो राइट आंसर आप छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सबुठ अधिक संख्यक राज्य को स्पर्श करुच्चे। तो नेक्स्ट कहला समुद्र तट या लुणीपाणीपूर्ण ह्रद को कौन कह प्लाया ना उपह्रद ना अशोखुराकृति ह्रद ना सामुद्रिक तो लुणपाणीपूर्ण ह्रद को आपह्रद कहुए। तो नेक्स्ट कहला कर्कट क्रांति क्यों राज्य मध्य जाना राजस्थान छत्तीसगढ़ ओडिशा ना त्रिपुरा आप प्रीवियस क्लास में कही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपणकर आठटी स्टेट दे कि जा तो से आठटी स्टेट नेम भी मुझे एगेन आम ये रिपीट करूना तो ये क्यों राज्य दे जाना ना ओडिशा ठीक है। आम से ओडिशा कथा तो पढ़ी ना तो ओडिशा देखिए आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएना। नेक्स्ट कहला क्यों दाक्षिणात्य मालभूमि अंतर्गत शैल निवास अटे कहला सिमला नैनीताल उटी ना मसूरी तो ये राइट आंसर कौन से आपंकर उटी ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट कहला गंगा नदी दक्षिण पार्श्वरे क्यों उपनदी सहित सरी क्यों उपनदी यह सहित मिसीजी तो राइट आंसर कौन हो चंबल ना गोमती ना गंडक ना घरघरा तो राइट आंसर कौन हम देखो राइट साइड रे ये आपंकर प्रायतः क्वेश्चन देखा मिलूँ तो ये देखो आप गंगा नदी दक्षिण पार्श्वे तो राइट साइड कथा देखिए राइट साइड क्यों उपनदी यह सहित तो मिसीजी ना चंबल ठीक अच्छे। जदि आम देखा गंडक गोमती घरघरा ये सब आपंकर लेफ्ट साइड में मिसीजी आपणकर गंगा नदी में गंगा को ही आपंकर लंगेस्ट आउ नेशनल रिवर बोले कहुए जार ओरिजिन गोमुख ग्लासियर आपने जानते हैं गोमुख ग्लासियर कौटे ना लोकेटेड उत्तराखंड गोमुख ग्लासियर तो सेठ आपर एटा बाहर एवं आपणकर ए गंगा रिवर ही आपणकर सब डॉल्फिन जोड़ा डॉल्फिन देखा जाए गंगा रिवर तो डॉल्फिन उपरू प्राय माने क्वेश्चन केते जगह देखा मिले वोटेट न हो कि कॉम्पिटेटिव रे प्रायतः तो आसी थाए एवं गंगा नदी जहाँ सब ट्रिब्यूटरीज रही डिस्ट्रीब्यूटर रही तो युवक भी सब आप मन रखिए गंगा नदी ओली डिस्ट्रीब्यूटरी नदी हूँ आपणकर कौन हुगुली ठीक अच्छे हुगुली किंतु ट्रिब्यूटरी गुड़ाक जमुना है गोमती है तो युवा सब आप मन रखिए तो युवा सब ट्रिब्यूटरी किंतु डिस्ट्रीब्यूटरी कौटा डिस्ट्रीब्यूटरी हूँ ओली वन जोटा कि हूँ हुगुली गंगा नदी तो सेटा मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला क्योंकि भारतर उच्चतम जलप्रपात अटे शिव समुद्रम ना जोग ना धुआंधार ना खंडाधार तो जोग हो सब उच्चतम जलप्रपात। नेक्स्ट कहला धुआंधार जलप्रपात क्यों नदी शज्जार अवस्थित सरावती गोदावरी कावेरी ना नर्मदा ये राइट आंसर हो नर्मदा नर्मदा रिवर पर आपंकर जोटा धुआंधार जलप्रपात से नदी शज्जार अवस्थित। तापर कहला गंगा नदी क्यों ब्रह्मपुत्र नदी सहित मिसी आल्लाहाबाद वाराणसी गोआलंद ना कोलकाता ये राइट आंसर हो आपंकर गोआलंद घाट ठार से आपंकर मिसी आपणकर जोड़ा सुंदरबन डेल्टा जोड़ा फर्मेसन होती तो सैटा भी आपंकर एग्जाम पचारे से गुड़िक भी सब आप मन रखिए। नेक्स्ट आपणकर आसला क्योंटी भारतर प्राचीनतम पर्वत श्रेणी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कहला आरावली नीलगिरी ना शिवालिक ना काराकोरम तो राइट आंसर कौन हम मुझे कही आरावली आरावली हूँ सबुठ प्राचीनतम ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ठीक अच्छे। तो ये आपंकर किसी क्वेश्चन आई थिंक आप हेल्पफुल होती जदि हेल्पफुल होते हैं निश्चित भाव में लाइक कर दिंतु और आपर लाइक कमेंट्स आम मोटेसन आज पर थैंक यू।